हाँ इंडिया में मस्तराम था, आईआईटी दिल्ली मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देयर वर नो गर्ल्स, निम्न क्या जीरो, मैकेनिकल में तो होते ही शून्य। सो मेरे चार साल एकदम सूखे बीते। इस प्रकार की घटनाओं से ही समाज में बड़ी मुश्किल आ रही है। इतना पसंद क्यों नहीं करते चेतन भगत को, क्या दिक्कत है? कुछ लोगों को पपीता बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। अब इसमें पपीते की क्या गलती है, पपीता बदल जाए, अचीवमेंट मानो, अचीवमेंट है। लोग बुकर प्राइज जीत रहे हैं, नोबेल प्राइज जीत रहे हैं, आप मेरे को ये अचीवमेंट बता रहे हो। आई विल गिव फ्री ट्यूशन बट ओनली टू गर्ल्स। वेरी गुड, शाबाश। फ्री कुछ नहीं होता सर लाइफ में। रोज रात को सोने से पहले पढ़ो। हाँ, नींद अच्छी आ जाती है और कुछ नहीं तो। सपने भी अच्छे आते हैं। हाँ, सपने भी अच्छे हैं। होपफुली अब डिपेंड्स आप क्या पढ़ रहे हो। क्या क्या है? There is nothing in this यार। अभी हमारा क्या है? तो अब तो किताबें भी लिख रहा है यार। नहीं लिख सकता सर। मैंने ट्राई की थी। राइट इन द स्टाइल ऑफ चेतन भगत। इतना गंदा लिखा। या मे बी दैट इज माई स्टाइल। आई डोंट नो। तब तक अपन रिटायरमेंट डेट पे पहुंच चुके होंगे। शायद मैं भी किताबें ही लिख रहा हूँ। ये बक नहीं कर सकता ना। कट नहीं लेंगे हम। इसका नाम क्या है शो का? शो का नाम क्या है? नहीं शो का नाम क्या है? जड़ियों के पत्ते गिनता नहीं, रोज रोज काम करके मैं थकता नहीं, ये समाज जितना भी कहले मुझको, मैं डीट किसके बाप की भी सुनता नहीं। तुम करते रहो अपने सपनों को फील, मेरे बैठे बैठे सजा दी महफिल। वेलकम, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, पता नहीं किस समय कौन से देश में आप ये देख रहे होंगे। अनकट पे आपके साथ मैं हूँ अनंत। एंड अनकट विद अनंत में बहुत सारे बड़े बड़े लोग आते हैं, कुछ मुझसे भी लंबे होते हैं और कुछ हैसियत में बहुत बड़े होते हैं मुझसे। आज एक ऐसी हस्ती, इनफैक्ट इंडियन ऑथर्स में सबसे ज़्यादा सक्सेस शायद इन्हीं को मिला है, चेतन भगत। मूवीज भी बनी है इनके नॉवल पे। वेलकम। थैंक यू अनंत, एंड लवली सेटिंग। और आज दिल्ली का ऐसा अच्छा दिन, मौसम बड़ी वेरी नाइस। कई बार ऐसा होता है हम दोनों दूसरों को इंटरव्यू कर रहे हैं, आज एक इंटरव्यू नहीं है, बातचीत ही है। हाँ, से डांस करना आता है आपको? नहीं। तो नच बलिए में जज क्यों बने हुए थे? क्योंकि कॉकरोच कॉकरोच तो वो ज्यादा ही हो गया। कॉकरोच के स्टैंडर्ड से भी ज्यादा। आई थिंक ऐसा कोई गिनीस बुक देता नहीं है रिकॉर्ड, लेकिन दिस इज अ रिकॉर्ड कि इंग्लिश लैंग्वेज राइटर जजिंग हिंदी डांस रियलिटी शो, और उसमें ज्ञान भी बांट रहे। किया सर, किया सब किया। आई थिंक ऑनेस्टली इट वॉज अ वे टू रीच एवरी इंडियन, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शोज, और जजिंग था एंड खाना बनाना ना भी आया। मेरा सवाल ये था, जज करने के लिए पता तो होना चाहिए कैसे पूछते हैं। आप खाना बता सकते हो अच्छा बनाया कि नहीं बनाया? आपको अगर कुकिंग नहीं भी आती आप बता सकते हो ना। हाँ। आपने एंजॉय किया? जाति वाली बात है सर, राइटर के साथ वर्ड्स में मत उलझो आप। बट इट्स अ नच बलिए इज नॉट जस्ट अ म्यूजिक शो। लॉट ऑफ पीपल फॉरगेट दैट इट इज अ शो विद रियल कपल्स। अच्छा, ये टू स्टेट्स इज प्रीटी मच बेस्ड ऑन योर लव स्टोरी? यस, इट इज बेस्ड ऑन माय लाइफ। इट्स फिक्शनल, फिक्शनलाइज्ड, बट डेफिनेटली इट इज गॉट ओरिजिन्स इन माय ओन स्टोरी। योर वाइफ अनुषा, शी इज तमिलियन। मैकेनिकल इंजीनियर हो, प्रपोज किसने किया था? बहुत ही लोडेड सवाल है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जिनको नहीं मालूम है, लड़कियां निम्न मात्रा में होती हैं। हाँ, सो अनुषा वाज इन आईआईएम अहमदाबाद। हाँ, सब उससे पहले आई वाज इन आईआईटी दिल्ली मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देयर वर नो गर्ल्स, निम्न क्या जीरो, मैकेनिकल में तो होते शून्य। हाँ, सो मेरे चार साल एकदम सूखे बीते। सो आई रियलाइज कि जो नेक्स्ट कॉलेज जाऊंगा ना, वहाँ भी कम होंगी लड़कियाँ। आई थिंक नाउ दे स्टिल हैव अ गुड नंबर। नाउ आई थिंक 30% आर गर्ल्स इन आईआईएम अहमदाबाद, बट एट दैट टाइम देयर वाज ओनली 5%, like less than 10%. Which year are we talking 95. About? 95. So less than 5 to 10% of the batch of 200, maybe 15, like that, 7.5%. So I knew ki jaldi karna hai. जल्दी करना है क्या मतलब हुआ? मतलब जोड़ियां बन जाएंगी ना बहुत। हाँ। जल्दी तो जल्दी बनानी है, रुमाल रख देगा। तो इसलिए मैं पहले महीने कोई पढ़ाई नहीं करी, सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करा कि गर्लफ्रेंड बनानी है, क्योंकि वो आईआईटी वाला सूखे वाले दिन मैं उस ट्रॉमा से गुजर चुका था। सो आई जस्ट फोकस्ड ऑन दैट। तो आईआईटी से आप आते हो तो आपके मैथ्स वैथ्स अच्छा होता है, और आईआईएम में जाती काफ़ी मैथ्स होता है, और काफ़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग जो आते हैं उनको इतना नहीं पता होता कि इतना क्वांट होगा। तो मैंने खुला ऑफर दे दिया कि मैं मैथ्स वाले जो भी सब्जेक्ट है, क्वांट था, क्वांट नाम था उसका, आई विल गिव फ्री ट्यूशन।
बट ओनली टू गर्ल्स. वेरी गुड, शाबाश. तो फ्री कुछ नहीं होता सर लाइफ में, मतलब वो घर से जो छूटा कैदी जो होता है ना. हाँ. वो वाले मोड में. तो बस फिर वहीं से शुरुआत की, तो ये मैथ्स ही है जो काम आया फिर लाइफ में. इसमें मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत कुछ ऐसा लग रहा था जो ज्ञान कई वर्षों के थ्रू आपके अंदर आपकी बीवी ने ड्रिल किया है वो भी कहीं कहीं झलकता है इसमें. आ गया होगा, आ गया होगा. वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल वी लिव्ड अराउंड, सो या आई थिंक सम ऑफ इट इज देयर. वाइल आप बहुत पॉपुलर हैं एज अ राइटर, एज अ प्रेजेंटर, एज एन इंटरव्यू, एज अ होस्ट, अ लॉट ऑफ योर पीयर्स डोंट हैव दैट सेम बॉनहोमी विद यू. हां, इतना पसंद क्यों नहीं करते चेतन भगत को, क्या दिक्कत है? पता नहीं यार, 10-15 साल आप मुझसे पूछते तो मैं आपको 4 रीज़न देता, फिर कहता शायद ये बात है, शायद वो इसलिए. अब मैं ना, मेरा एक पपीता फिलॉसफी हो गई है. अब आप पूछो क्या है पपीता फिलॉसफी? पपीते को देख के पपीता रंग बदलता नहीं, नहीं नहीं. आपको पपीता अच्छा लगता खाने में? टेस्ट ओके, ठीक है, ठीक है. कई इट्स वन ऑफ दोज फ्रूट जो कईयों को खाता हूँ. हाँ, कुछ लोगों को पपीता बिल्कुल नहीं अच्छा लगता और कुछ लोगों को पपीता बहुत अच्छा लगता है. इसमें पपीते की क्या, पपीता और फ्रेश पपीता अब जो भी है. कई लोग कहते हैं पपाया का बड़ा, मतलब जैसे आम सबको पसंद है, केला सबको पसंद है. पपीता इज वन ऑफ दोज फ्रूट्स जो एक्वायर्ड टेस्ट है, कईयों को पसंद है कईयों को नहीं पसंद है. अब इसमें पपीते की क्या गलती है? पपीता बदल जाए, पपीता कोशिश करे कि मैं एप्पल बनता हूँ, तो क्या बन जाएगा? मैं पपीता हूँ. वो तो समझ गया, कुछ लोगों को नहीं पसंद, कर नहीं सकते. लेकिन क्या है, क्यों क्यों चिढ़ते हैं लोग? मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता, उनकी प्रॉब्लम है. कुछ मैं तो किया होगा. मेरे को कोई भी नहीं है लाइफ में जिससे मैं इतना चिढ़ता हूँ. ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मेरी अपनी लाइफ में इतना कुछ है करने को. ये कॉफ़ी, कॉफ़ी आ गई सर. अरे भैया आप इधर से आओ, पीछे से, उधर से घूमते हुए लाए. आ जाओ, आ जाओ उधर से. नहीं कट मत लो, कट नहीं लेंगे हम. इसका नाम क्या है शो का? अनकट. शो का नाम क्या है? अनकट. शो का नाम क्या है? शो का नाम क्या है? हाँ तो बस. नहीं नहीं, कोई कट नहीं होगा, कोई कट नहीं होगा सर. नॉर्मल, एबनॉर्मल भी है? नहीं, नॉर्मल और एबनॉर्मल. नॉर्मल, एबनॉर्मल, पैरानॉर्मल. हमारे पास 3 किस्म की कॉफी है. हम तो 2 है. थैंक यू भैया. तो चीयर्स. चीयर्स. बोलिविया से कॉफी आ गई हमारी. तो भाई चेतन भगत को पता नहीं है कि लोग क्यों उन्हें नापसंद करते हैं. वो पपीता है, पपीता अपना स्वाद, कलर, फ्लेवर नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा. और देखो, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, ये जो शो है सबके लिए है. मैं आपको भी बता रहा हूँ कि बजाय हम सब लोग ना, जो हमें पसंद नहीं करते उसको मनाने में लग जाते हैं. जो बुआ जी नाराज़ है ना, उन्हीं को मनाना है शादी में आने के लिए, और जो आ गए हैं खुशी खुशी उनको हम ऐसे. तो हो सकता है कुछ लोगों को मेरा काम ना पसंद हो. जनरली दे डोंट लाइक इट, उनका नहीं पसंद आया मेरा टेस्ट. हो सकता है दे लाइक समथिंग एल्स, बट व्हाट अबाउट दोज पीपल हु लाइक मी? मैं अपनी एनर्जी उधर देना चाहता हूँ. जो मेरी पार्टी में आएगा मैं उसकी ज़्यादा खातिरदारी करूँगा ना, बजाय इसके कि जो 4 लोग नाराज़ होकर नहीं आए. पर हम सब, ह्यूमन नेचर उल्टी है. ह्यूमन नेचर कहती है वो क्यों नाराज़ हुए, अरे 100 लोग और आए हुए हैं, वो आपसे प्यार करते हैं. तो यू नो कन्फॉर्मिस्ट एटीट्यूड. हाँ, तो मेरे को है अभी लोग, कुछ लोग नहीं करते पसंद, अभी क्या करें सर. आज से 10 साल पहले ऐसा होता था, कई बार न्यूज़ चैनल्स में पैनल्स पे अक्सर चेतन भगत दिखाई देते थे. आजकल नहीं दिखाई देते सर. वो क्या हो गया? आप अगर तब नोट करो तो मेरे बाल उड़ने लग गए थे. मैं सच मजाक नहीं कर रहा. इट वॉज अननेसेसरी स्ट्रेस सोर्स ऑफ माई लाइफ. आई थॉट कि आई राइट ऑन नेशनल डिसीजन पेपर्स, तो यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ डिबेट होगा और यहाँ हम 2 बातें, मैं अपनी सिखाऊंगा, 2 बातें सीख के आऊँगा. मैं सिर्फ एक चीज़ सीखी वहाँ पे कि 6 लोग बात कर रहे हो तो अपनी बात कैसे बीच में घुसानी है, क्योंकि सांस लेने के लिए लोगों को रुकना पड़ता है. जस्ट कीप वॉचिंग देयर ब्रेथ, डोंट लिसन टू वॉट दे आर सेइंग. वो सांस लेने के लिए आधे सेकंड का पॉज लेगा तब घुस जाओ. मैं कुछ उन एक आध डिबेट्स में पैनल में रहा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ. तो छोड़ क्यों दिया, या जो आपके व्यूज थे वो लोगों को पसंद नहीं आए? नहीं नहीं, वो वही कि ज़्यादा सच बोल दिए. इतने इंटेलिजेंट लोग वहाँ पे आते हैं, सब पढ़े लिखे ही आते हैं मेरे ख्याल से, और 5 मिनट के अंदर ऐसे लड़ते हैं कि जितना वेट लिस्ट, वो जो क्या कहते हैं अनरिजर्व कंपार्टमेंट की सीट के लिए लोग लड़ते होंगे. और चीखम चिल्ली, और मुझे लगा मैं अपने आप को डिग्रेड कर रहा हूँ. मे बी ये फॉर्मेट है, मे बी ये एक मज़ा आता है, टीआरपी आता है इससे. आई डोंट नो वॉयरिज्म, आई डोंट नो. तो मैं जज नहीं कर रहा,
पर मुझे लगता है मेरे पास आई हैव अ थिंकिंग एबिलिटी और मेरे पास कुछ कहने को है। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो ठीक से करो बात, जैसे अब हम आराम से बात कर रहे हैं ना, अब छः लोग आपस में हम लड़ रहे होते हैं तो इट्स नॉट फन फॉर द, मतलब मेरे लिए फ़न नहीं है। हो सकता है कि एक ऑडियंस है उसकी जिसको लड़ा, एक कलेश ही देखने हैं, कलेश ज़्यादा हो रहे थे। फिर भी मैं काउंटिंग डे पे जाता हूँ, आजकल इलेक्शंस का माहौल, इलेक्शन का माहौल है और यहाँ तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं एबीपी न्यूज़ के साथ ही मैंने साइन किया। अच्छा। एंड आई विल बी देयर ऑन द एग्जिट पोल्स एंड आई विल बी देयर ऑन द फुल काउंटिंग डे ऑन 4th of June आपके एबीपी नेटवर्क पे, एंड आई विल बी देयर ऑन 2-3 अदर डेज, टोटल 4-5 days। सो इलेक्शन सीजन आई लव, उसमें क्या है कि इतना झगड़ा नहीं है, वो तो नंबर आ गए ना, जो आ गया फैसला आ गया। सो आई एम स्टिल वेरी मच कीन टू डू थिंग्स रिलेटेड टू नेशनल इशूज़, बट जहाँ पे ऐसे डिग्रेडेशन ना। और लोगों की बातें करते हैं, जेन ज़ीज, मिलेनियल्स, इनके बारे में, यू हैव ट्विंस। आई हैव ट्विंस। और एक सेकंड, जेन ज़ी क्या होता है? जेन ज़ी जो अभी 18 के है, तो इन सब के बारे में, इनके काम करने का, बोलने का थॉट प्रोसेस मैं बताऊंगा, क्यों पूछ रहा हूँ। हाँ, देखिए मेरे को तो यही लोग पढ़ते हैं ज़्यादा, एंड आई थिंक एवरी जनरेशन इज़ डिफरेंट, एंड कई बार मुझे लगता है इस जनरेशन को आराम थोड़े ज़्यादा हैं। आई डोंट नो, लाइक हाउ ओल्ड आर योर सन्स? 19, ट्विन बॉयज़ आई हैव, तो दे आर 19, एंड उस वजह से, एंड वो आराम इसलिए क्योंकि पिछली जनरेशन ने काम किया वो आराम देने के लिए, और हमारे से पिछली वाले ने हमें दिया है, और मेरे से दो जनरेशन पहले तो पाकिस्तान से उठ के आए थे, सो तंबू में रहे थे दिल्ली में, सो वी ऑल ओ इट टू द प्रीवियस जनरेशन, टू द लेवल वी आर एट टूडे, हाउ वी थिंक टूडे ऑल्सो। बट एट द सेम टाइम हर जनरेशन को लगता है वो ज़्यादा बेटर है, पिछले वाले को तो पता है। सो आई थिंक लॉट ऑफ टाइम्स आई फाइंड जेन ज़ी फील्स, उन्हें सब पता है, दे नो सोशल जस्टिस, उनको पता है कि क्या सब रेसिस थे, हम कमीने थे, आप रेसिस्ट जो हम ऐसे गलत थे, हमें बच्चे पालने नहीं आते थे, हमें यू नो हम सेक्सिस थे, हम रेसिस थे, एंड उनको सारे, मतलब अब वो चलाएंगे, बट ऐसे नहीं होता, you know, and they are also able to think like this today because of the work done by their forefathers. So I think that's what I mean. इसलिए पूछ रहा था, जो reading habit है, हाँ, हमारे time में तो मतलब libraries होती थी, किताबें दोस्तों से borrow करते थे, आज की किताबें, कौन सी किताबें? किताबों और magazines में फर्क होता है। Okay, fine. ठीक है, मैगजीन अक्सर चोरी की जाती थी, बोरो की जाती थी। मैंने तो कौन सी किताबें पूछा है, आप गिल्टी हो रहे हो, मैंने तो सीधा पूछा कौन सी किताब। गिल्टी तो मैं हूं ही। आप कहते थे प्रेमचंद, आपने नहीं कहा? वही नहीं पढ़ा मैंने। प्रेम तक पहुंचता था, चंद नहीं पहुंचा। सो हैज द रीडिंग हैबिट गॉन डाउन? उससे लगता है कम लोग पढ़ रहे हैं। इट्स डेफिनेटली गॉन डाउन एंड इट इज समवट कंसर्निंग। हैविंग सेड दैट, इट्स नॉट गॉन डाउन सो मच ऑल्सो एज आई थॉट with the response to this book I'm seeing, it's not, I used to think it's totally gone. No. ये हमें फिर से awareness create करनी पड़ेगी कि this is good for you. Lot of people think books और video content जो है, video, screen, movies, serial, जो भी OTT, they are substitutes. They are not substitutes. Books leave you free to imagine. You lose the ability to focus, you will lose imagination. And you are being really stupid. बच्चे आजकल लिखना भूल गए, कोई लिखता नहीं है। Sometimes you read one book and it changes your life. I felt it has to be in book form. Which was that one book that changed your life, जो पढ़ी थी आपने? Many of them. Even a book like say A Rich Dad Poor Dad, for example. It's a controversial book. काफी लोग कहते हैं क्या है ये वो. It helped me. Start saving, investing. For example, I'm giving you one example. Ayn Rand's Atlas Shrugged. And Fountainhead, my two favorite, two books that changed my life. It changed your life. Now some people say ki wo again ab it. मैं इसमें भी that philosophy objectivism. हाँ. इसमें मुझे काफी झलक उसकी दिखाई देती है. Correct. So I think we don't know, and even I as a writer may not know इसका क्या impact आएगा किसी पे. रोज रात को सोने से पहले पढ़ लो. हाँ, नींद अच्छी आ जाती है और कुछ नहीं तो. सपने भी अच्छे आते हैं. हाँ, सपने भी अच्छे. Hopefully अब depends आप क्या पढ़ रहे हो. बहुत देर से मेरी टांग खींची जा रही है. Which is the first smut magazine dirty book that you read? Bata bhai. Camera on hai. So you know, camera. I really feel talking of Gen Z. When I say ki they have it easy. Video hai unke paas. There is nothing like pornography, which shows how easy it is for them. It's here. Yeah. Right. Kya hai?
there is nothing in this yaar abhi hamara kya hai I'm saying you don't even need to store it on your phone just go on internet right now for us struggle hota tha school bunk karo morning video parlor jao somehow school uniform mein use convince karo ki hum age mein bade hain ek vcr order karo rent pe चार टेप लो और बिजली चली गई साला टेप उसमें फंस जाएगा टेप फंसेगा प्रिंट चेक करो ट्रैकिंग करो इट वाज और यू लिटरली हैव टू सी इट इन द घर का टीवी यू कांट टेक इट टू योर रूम एंड और बाथरूम और व्हाटएवर दैट्स पोर्नोग्राफी ये तो वीडियो हो गया बुक्स की बात कर रहे हैं बुक्स आल्सो यूज्ड टू बी वेरी लो रेज क्वालिटी देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमन डाइजेस्ट राइट ह्यूमन डाइजेस्ट फॉरेन पब्लिकेशन था हाँ इंडिया में मस्तराम था दीज वर आइकॉनिक थिंग्स एट दैट टाइम डेबोनेयर एंड देन डेबोनेयर एंड देन देयर वाज दीज ऑन रेलवे स्टेशंस यूज्ड टू गेट दीज मनोहर कहानियां टाइप पतली वाली हाँ सो यू नो दैट वाज वेरी फनी दे डिडंट से दे आर पॉर्न बट इट वुड हैव अ वेरी सेलेशियस काइंड ऑफ स्टोरी देवर भाभी थिंग हैपनिंग दिस दैट एंड एंड में और शुद्ध हिंदी में हाँ बट एंड में ना दो लाइनें लिख देते थे इस प्रकार की घटनाओं से ही समाज में बड़ी मुश्किल आ रही है या इससे हमें पता लगता है कि ये एक उदाहरण है कि ऐसे अगर आप होगा तो समाज में क्या लाइक इन टू लाइंस ऑफ मॉरल लेसन एंड द सीन्स हैड फुल डिस्क्रिप्शन कि शी इज वेयरिंग अ लोकल ड्रेस एंड लाइक दे आर लाइक बीइंग वेरी सेलेशियस बट इन द एंड दे क्लेम इट कि इट्स अ मॉरल लेसन कि ऐसे नहीं करना चाहिए तो उस जमाने में थे जब सिडनी शेल्डन भी हमें लगता था कि हाँ इसमें भी चार पन्ने तो दिख जाएंगे सर लोगों को तो चेतन भगत की बुक में भी दिखता था शुरू में तो 5.1 में लोगों को पेज नंबर याद था इनफैक्ट फॉर माई फर्स्ट बुक पीपल देर वॉज अ वेबसाइट विच यूज टू हैव गो स्ट्रेट टू द सीन तो दे हैड द पेज नंबर्स ऑफ ऑल माई बुक्स विद द सीन्स ये अचीवमेंट मानो अचीवमेंट है लोग बुकर प्राइज जीत रहे हैं नोबेल प्राइज जीत रहे हैं आप मेरे को ये अचीवमेंट बता रहे हो कि पेज 175 सबके अपने अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं ठीक है सर हाँ वैसे बात तो सही है आजकल ये एआई के बारे में काफ़ी बातचीत हो रही है दुनिया जहाँ के योर व्यूज ऑन एआई इज इट रियली स्काईनेट टर्मिनेटर वाली हालत होने वाली है या नहीं होगा पर इट्स अ वेरी गुड अब तो किताबें भी लिख रहा है एआई नहीं लिख सकता सर मैंने ट्राई की थी राइट इन द स्टाइल ऑफ चेतन भगत इतना गंदा लिखा या मे बी दैट इज माई स्टाइल आई डोंट नो नो बट इट के नॉट इट जस्ट के नॉट डू क्रिएटिव थिंग्स इट जस्ट वेरी फॉर्मुलेक and very very bad and you don't feel like reading it and it doesn't have any heart because AI doesn't have a troubled childhood I have and that is the issue ChatGPT doesn't have that so when we create art of any form any anything creative it cannot do very well what it can do very well is a very good secretary systems and processes yeah or like for example whenever I write my I have a column in Times of India I write it jaise hum spelling aur grammar check karte the मैं अब उसको उसमें डालता हूँ जेमिनी में गूगल वाले में एंड उसे कहता हूँ रिमूव द स्पेलिंग एंड दिस एरर्स तो इट ऑटोमेटिकली रिमूव्स एंड गिव्स मी अ लिस्ट ऑफ कहाँ कहाँ किया है और क्यों किया है एंड देन आई कैन सी कौन सा रखना है कौन सा नहीं सो इट्स लाइक अ सेक्रेटरी आई हैव गॉट सो मुझे एडिटर के पास भेजने की जरूरत नहीं है प्रूफ रीडिंग नहीं हाँ एंड दैट जॉब इज़ प्रीटी गुड बट द आर्टिकल इज स्टिल माइन एंड द लैंग्वेज इट डजंट चेंज एनी थिंग ऑफ दैट दोज थिंग्स आर नॉर्मली लाइक दैट्स अ बिग वन एंड चाहे वो पूरी बुक पर भी कर सकता है What I'm saying is ki it will do it in a second. So there I can see value. If you are doing a tenancy contract, you normally keep an advocate, but it's a very basic repetitive kind of thing. So wahan karega. As of now we are there. Naukriya khayega. Of course, of course. Of course khayega. Tab tak apan retirement age pe pahunch chuke honge. Shayad main bhi kitabe hi likh raha hunga. I mean ye bak nahi kar sakta na. Wo nahi kar sakta. वो नहीं कर पाएगा ह्यूमन कनेक्शन वाली चीज़ें जो हैं वो नहीं कर सकता एनीथिंग विच इज़ नॉट डजंट रिक्वायर अ ह्यूमन इमोशनल कनेक्शन ऑफ एनी फॉर्म इट कैन डू एक्सट्रीमली वेल दोज पीपल डूइंग दैट इट विल गो कमिंग बैक टू दिस बुक पढ़ रहा था कई बार आपको ऐसा लिखते हुए इसको नहीं लगा कि यार दुनिया में एक से एक निठल्ले निहायती चुनिंदा बेवकूफ हैं कितना भी समझा लो जब तक इनहेरेंट दिमाग नहीं समझेगा तो क्यों लिख रहा हूँ मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ सी 90% ऑफ पीपल विल नॉट चेंज देयर लाइफ दैट्स ओके बट 10% विल वो तो है ही
वही 10% प्राइम मूवर्स है, वही प्राइम मूवर्स. एंड इफ आई कैन चेंज, इफ इफ लैक्स ऑफ पीपल रीड दिस एंड अ फ्यू थाउजेंड चेंज देयर लाइव्स, तो वो देश को निभा लेंगे पूरा. हां, एंड देश को नहीं तो मेरा ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग द बुक इज अचीव्ड. 11 रूल्स फॉर लाइफ मैंने पढ़ी पूरी किताब. ओह थैंक यू. इसमें सबसे इंटरेस्टिंग सबसे पहला पन्ना लगा मुझे, हाँ, जो आपके पिताजी ने आपको कहा कि यू विल अमाउंट टू नथिंग, तुम कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में. हाँ, वो ना हर बुक की शुरुआत में एक कोटेशन होता है, हाँ, बड़ा गहरा सा, दलाई लामा ने या जैसे कुछ महाभारत का या कुछ. एंड आई थॉट लेट मी डू समथिंग डिफरेंट एंड लेट मी बी ऑनेस्ट एंड फेस द कोटेशन दैट हैज अफेक्टेड मी फॉर सो लॉन्ग. कोटेशन आदि कब डालता है कि ये कोटेशन का कुछ मतलब था मेरी लाइफ में. एंड राइटिंग दिस बुक यू नो अनंत ब्रॉट आउट दिस थिंग कि अ लॉट ऑफ माई लाइफ हैज़ बीन इम्पैक्टेड बाई दिस कि यू विल अमाउंट टू नथिंग. और ये मेरी कहानी नहीं है, ये आई थिंक बहुत घरों की कहानी है. बड़े भाई IIT तुम गए, IIM तुम गए, हाँ, यू विल अमाउंट टू नथिंग, तो हम जैसे प्राणी तो मतलब नो. सो एक्चुअली कई बार मैं सोचता हूँ कि मेरी लाइफ में जितनी भी मैंने अचीवमेंट्स करी हैं शायद इसीलिए करी हैं, टू गेट दैट लव फ्रॉम माई फादर विच आई नेवर गॉट. एंड दैट रियलाइजेशन केम व्हेन आई वाज राइटिंग दिस बुक. आई नेवर एक्सपेक्टेड कि ऐसी बुक में वो आएगा, बट आई कैन नॉट राइट अ बुक, एन ऑनेस्ट बुक, विदाउट बींग ऑनेस्ट विद माई सेल्फ. एंड आई रियलाइज कि एक जैसे उसमें रूल भी है कि लिव फॉर योर सेल्फ. हम सब लोग कई बार जिंदगी में बड़ी बड़ी चीज़ें ऐसे करते रहते हैं कि वी डोंट इवन रियलाइज कि किसी और की वजह से हो रहा है वो. इट्स नॉट वॉट वी मे वॉन्ट, मे बी वी वॉन्टेड. आई लाइक माई सक्सेस, ऑफकोर्स आई लव डूइंग दिस इंटरव्यू एंड हैविंग अ बेस्ट सेलर्स एंड ऑल द करियर आई हैड, आई लव इट. बट कहीं ना कहीं इट वॉज वन अचीवमेंट आफ्टर द अदर एंड इट वॉज नेवर इनफ. So your race was with yourself, खुद से ही. या दो दिमाग में एक wound है. There is a hole in your head. And even if I become the world's number one writer, even if I become the ruler of the world, it will not go away. And I think we all have to face these things we do, so that we can first realize हम कौन है, and then we live, start living for ourselves. And I think a lot of my hyper achievements are to prove that I'm good enough. So that quotation is actually very deep. And it's also, अगर सही समझूं, दुनिया से जितना प्यार मिल जाए, फेम मिल जाए, पैसा मिल जाए, हमें प्यार, फेम, रिकग्निशन जो हमारे सबसे करीब होते हैं उनसे चाहिए. Yes. जिन्होंने हमें एकदम जीरो पे देखा हो. या स्पेशली पेरेंट्स. आई थिंक व्हेन यू आर द चाइल्ड, योर पेरेंट्स आर लाइक गॉड एंड यू वांट, मे बी इट्स द वायरिंग, वी एक्सपेक्ट अनकंडीशनल लव फ्रॉम देम. एंड व्हेन यू डोंट गेट दैट, समहाउ यू ट्राई टू फील कि maybe the problem is with me. And now I'm at an age where I feel like our parents are not God. They are also human beings. Because ab mere bhi bachche hain. Main bhi galtiyan karta hu, main bhi normal hu. But maybe they see me as, ye to papa hai, inko sab aata hai. Papa le jayenge. You're just about doing the best you can. Yeah, everybody is just trying to live their life. Unke bhi office the, unke bhi struggles rahe honge. Aur unhone kuch faisle liye. Maybe he wanted me to be better. एंड ये उनका तरीका था कहने का. क्या एक्सपेक्टेशंस थी पेरेंट्स? वही, व्हेन यू से यू विल अमाउंट टू नथिंग, मे बी ही वांटेड मी टू बी मोर, मे बी ही वांटेड मी टू पुश मायसेल्फ. हो सकता है कुछ इंटेंशन नेगेटिव ना भी रहा, लेकिन मैं वही जानू कि IIT IIM और मतलब ये तो हर मां-बाप का, हर वो तो बाद में हुआ ना, बट आई एम टॉकिंग ऑफ एज अ चाइल्ड. एज अ यंग चाइल्ड आई वाजंट वेरी स्पोर्टी, आई वाज अनफिट, आई वाज फैट, आई हैव बीन फैट ऑल माय लाइफ. सो मे बी ही वाज फ्रॉम द आर्मी, सो ही फेल्ट आई वाज नॉट लाइक अप टू द मार्क. Not as disciplined, not as obedient. I was always thoda rebellious. And maybe I just wasn't good enough for him. But he is just a human being, you know. It was a phase of my life where he felt that way. And now that I see, it's not true anymore. So, ab mujhe ek badi peace aa gayi hai ki mujhe, matlab, I don't need the world to love me. Or, mere ko matlab, apne aap ko prove karne ki zarurat nahi hai. I am enough. So I think this journey is also very important in life. As much as success ke saath saath knowing who you are is very important. To ye ek single line ke upar humne 10 minute baat kar li. Are. Soch lo. Baaki kitab. But it was important. Very important. It was very hard for me to write it. And it was very hard for me to touch on some of the issues I've touched in the book. Par wo isliye bhi kiya ki
इट इज़ इन अ वे इंस्पायरिंग टू अदर पीपल कि यार जब इस इट्स नॉट लाइक ही हैड इट इजी, इट्स नॉट लाइक ही हैड अ वेरी लाइक वंडरफुल पाथ वेर एवरीबडी सपोर्टिव. काफ़ी बचपन टफ बचपन में मुझे काफ़ी छू गया क्योंकि मुझे भी एग्जैक्टली सेम चीज़ कही गई. इनफैक्ट रिसेंटली मेरे फादर ने कहा कि तुम्हें देख के लगता नहीं था तुम कुछ कर पाओगे जिंदगी में, लेकिन हाँ. अब शायद तुम्हें अकल आ गई. हाँ. So, but you know these things when you're a child can have a huge impact on you. And then for a lot of your life you are trapped by this. So it doesn't let you live your life in a fulfilling way. And it happens to women also, mothers. It happens to all of us. And we don't want to face it. बस उसको उसको फेस नहीं करना, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे. IIT की तैयारी भी कर लेंगे, मेहनत भी कर लेंगे, डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे, नशा कर लेंगे, हर चीज़ करेंगे, बट वी विल नॉट फेस. बट इफ़ यू वॉन्ट योर ब्रेन टू चेंज, इफ़ यू वॉन्ट टू गो ऑन द नेक्स्ट लेवल इन लाइफ, यू हैव टू, ये जो गांठें बंधी हैं, रीवायरिंग करनी पड़ेगी, ये गांठें खोलनी पड़ेंगी. हाँ. 11 रूल्स फॉर लाइफ द सीक्रेट्स टू लेवल अप, ये किताब का नाम. अब कुछ वीडियोस पे मैं रिसर्च कर रहा था आपके, आपने कहा लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं होते. भाई ये तो शॉर्टकट्स की कुंजी है पूरी. इट्स नॉट एक्चुअली, आई मीन इट्स अ शॉर्ट, आई गेस इट्स जस्ट काम बहुत है. हाँ. इट्स अ शॉर्ट लिस्ट, लेकिन सारे फॉर्मूले एक किताब में कुंजी में मिल जाते थे. हाँ, ना ये वो है. बट ये फॉर्मूले पेपर में नहीं लिखने आपने, ये रट्टे मारने की किताब नहीं है. ये किताब एक्चुअली यूजलेस हो जाएगी अगर आपने किताब पढ़ी और आपने कहा हाँ बड़ी अच्छी थी, वेल रिटन, ईजी टू रीड, ये वो, बट आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे, कुछ अमल नहीं कर रहे उस पर. छोटा सा है चैप्टर, नेवर इग्नोर योर फिटनेस, या इट्स अ वेरी कुंजी में आ गया. नाउ ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस, दिस विल टेक अ वेरी बिग पार्ट ऑफ योर लाइफ. फट के फ्लावर हो जाएगा सिर्फ एक में. सो द वर्क, इट इज अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू, बट इट्स अ लॉट ऑफ वर्क आई एम आस्किंग पीपल टू डू. मैं आपको काम करने को भी बोल रहा हूँ, सिर्फ किताब पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ. बट आई कैन गारंटी यू कि आप औकात पार कर जाओगे एंड यू विल डिस्कवर अ पर्सन विच यू डिडंट इवन नो एग्जिस्टेड इन यू, हु इज सो हैप्पी एंड सक्सेसफुल. इट कैन हैपन, ये आपके हाथ में है काफ़ी हद तक. एंड आई थिंक लॉट ऑफ अस डोंट रियलाइज दैट. आई वॉन्टेड टू आस्क यू दिस, जब आपने अपना यूट्यूब चैनल भी खोला था एंड देन ये किताब भी आई, मोटिवेशनल स्पीकिंग के यू नो एरिया में आप जा रहे हैं, ये तो आजकल बहुत बड़ा स्कैम सा नहीं हो गया है? नहीं, मुझे तो स्कैम लगती थी इंडस्ट्री. अब कैसा लग रहा है इंडस्ट्री के अंदर से? सो आई ऑब्वियसली इट्स नॉट माय मेन प्रोफेशन. जिसको देखो मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है जोर-जोर से चीख के. पिछले 15 साल से कर रहा हूँ कॉर्पोरेट इवेंट्स एंड कॉलेज इवेंट्स एंड आई मस्ट हैव डन मोर देन 700 नाउ एंड यूट्यूब पे भी 1000 से ऊपर मोटिवेशन के ही वीडियोज हैं. एंड पीपल स्टार्टेड राइटिंग कि यू हैव चेंज्ड माय लाइफ एंड यू नो, मुझे भी यही लगता था कि ऐसे ही बोल रहा है जस्ट टू मेक मी हैप्पी ही इज सेइंग. बट इट डिड चेंज समटाइम्स पीपल्स लाइफ, समटाइम्स सम थिंग्स कैन चेंज योर लाइफ एंड दिस कम्स डाउन टू द रीवायरिंग ऑफ ब्रेन. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय रीवायरिंग, एक्चुअली देन आई वेंट डीप इनटू द साइंस ऑफ इट. तो हम सबके ब्रेन में कहानियाँ होती हैं, इट्स लाइक अ लिटिल कंप्यूटर प्रोग्राम्स. मैं गुलाब जामुन रेजिस्ट नहीं कर सकता, सपोजिंग ये आपके मन में एक कहानी है, इट्स कॉल्ड अ नैरेटिव, विच मीन्स जैसे ही आपके सामने गुलाब जामुन आएंगे आप ऑटोमेटिक खा लोगे. मैंने आपको खाते हुए देखा है. मैंने देखा भी आप. मैं अपने एग्जांपल देता हूँ, आई गिव माय ओन एग्जांपल्स. नाउ दैट बिलीफ, दैट नैरेटिव मे नॉट बी सर्विंग यू नाउ. हो सकता है एक टाइम पे इट वॉज ओके, बट नाउ इट डजंट सर्व यू. बट इट्स लाइक अ हाईवे इन योर ब्रेन, 4-lane हाईवे. फटाक से आपकी गाड़ी वहाँ से वहाँ पहुँच जाएगी. गुलाब जामुन आया, खाना है, सोचना नहीं है अच्छा है बुरा है. बट यू नो इट्स नॉट सर्विंग यू नाउ, ये हेल्पफुल नहीं है हेल्थ के लिए. सो आपको अगर मैं बोलता हूँ कि चलो कल पार्टी है, वहाँ होंगे गुलाब जामुन, बस कल मत खाना, वो लंबा रास्ता हो जाएगा ना फिर तो. हाँ, देन यू विल कम बैक एंड से मैं नॉर्मली तो नहीं खा रोक पाता, एक दिन रोक लिया, फिर मैं आपको 5 दिन बोलता हूँ, फिर मैं आपको 30 days बोलता हूँ. 30 days के बाद बोलोगे हाँ मैं पहले नहीं रोक पाता था लेकिन अब रोक लेता हूँ. नाउ द ब्रेन हैज़ अ न्यू नैरेटिव. ये जो लंबा रास्ता आप कह रहे हो, ये बेसिकली आपको नई सड़क बनानी है ब्रेन में. मतलब आपको पेड़ काटने हैं जंगल में, पगडंडी बनानी है. ये पेविंग का काम जो है, ये जो लंबा रास्ता आप कह रहे हो, ये बहुत तकलीफ़ वाला है. हाईवे ईजी है,
मुझे चेतन भगत के अंदर पता नहीं एक पॉलिटिशियन क्यों पनपता हुआ दिख रहा है, वो भी यही कर रहे होते हैं। नो आई थिंक सो यू कैन डू इट एनीवेयर, यू कैन डू इट फॉर एनीथिंग, यू पॉलिटिशियंस आल्सो क्रिएट नैरेटिव्स, यस, बट फॉर योर ओन सेल्फ डेवलपमेंट द फर्स्ट स्टेप इज टू रीवायर योर ब्रेन बाय डूइंग बिहेवियर्स टू शो दैट जो मैं बिलीव करता हूँ वो सच नहीं है। एंड आई थिंक दैट्स रियली वॉट इट वेयर मोटिवेशन वर्क्स। इफ यू डू इट दैट वे इट विल वर्क and it will make you successful. What is scammy about it is a lot of people are just selling motivation to show how successful they are. Jo programs jo bechte hain, ha, then it's a agenda alag hai, ya wo chahte hain zindagi bhar aap unke disciple bane raho, guru wagera. That's not what I'm doing. Ye padho, you kunji hai, you get all the what you need to do and go do it. Bas, I am not here. ना मेरे को आप चाहिए लाइफ लॉन्ग मैं आपको चीज़ें बेचूं, ना मैं ऐसी कोई स्कैमी काम कर रहा हूं, बट इट्स जस्ट गुड एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड आई थिंक। ना लाइफ लॉन्ग किताबें बेचने का प्लान पूरा है, वो पूरा है, बट आई विल गिव यू अ न्यू स्टोरी ईच टाइम। आई वोंट डू 11 रूल्स फॉर लाइफ की जगह 11 रूल्स फॉर लाइफ फॉर किड्स फॉर हाउसवाइव्स, यू नो लाइक यू कैन डू इट, यू विल मेक मनी, बट आई वोंट डू। इसकी तो स्टार्टिंग ही बहुत अच्छी है, वो पिज्जा डिलीवरी वाले नहीं पिज़्ज़ा नहीं Zomato वाला जो डिलीवरी बॉय आता है उससे। आई जस्ट फेल्ट कि इज दैट अ ट्रू स्टोरी? नो दैट्स जस्ट अ फिक्शनल यू नो लाइक अ सूत्रधार की तरह। आई वांटेड टू मेक इट इंटरेस्टिंग कि एक कहानी की तरह कर दूं, एंड यू नो लाइक वो मेरे को रोज़ खाना ला के देता है, मैं उसे रोज़ एक रूल समझाता हूँ, जस्ट मेक्स इट ईजियर टू रीड, गिव्स ब्रेक्स इन द बुक। एंड बिकॉज मैंने जितने भी सेल्फ हेल्प बुक्स देखे थे बड़े ऐसे ज्ञान बांट रहे, ज्ञान बांट रहे, प्रवचन टाइप हो रहा है, वो नहीं करना था। ये स्कैम से बचे कैसे? हाउ डू आइडेंटिफाई एन ऑथेंटिक पर्सन हु इज ट्राइंग टू आपको मदद करने की कोशिश कर रहा है और दूसरा जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहा है आपके थ्रू? मल्टी लेवल मार्केटिंग, फर्स्ट थिंग इज यू सी व्हाट दे हैव एक्चुअली डन इन लाइफ। डू दे हैव अचीवमेंट्स अपार्ट फ्रॉम देम बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, अपार्ट फ्रॉम देम सेलिंग देम योर मोटिवेशन, रील बनाने और वीडियो बनाने के अलावा मैं कितना अमीर हो गया ये जानने के लिए मुझे और अमीर करो, दैट इज नॉट द वे। फर्स्टली यू हैव टू सी वेदर दिस पर्सन हैज सम अदर एरिया इन विच दे वर सक्सेसफुल, एंड सेकेंड इज यू हैव टू रियलाइज दैट इट कैन ओनली हेल्प यू गेट ऑन द राइट पाथ, बट द एफर्ट यू हैव टू मेक, द ट्रैकिंग यू हैव टू डन। If you are only keeping on watching motivation content, or if they are promising you something which seems like a very big reward without a lot of hard work, that's a scam. Because I am telling you, you read this book, you'll have to work very hard after that. But you'll know the path and you'll know kahan jana hai aur kahan nahi jana hai, kin cheezon ka dhyan rakhna hai. But if they are just selling you easy solutions, if they are saying you do a 5-day seminar and you'll make 50 lakhs a year, come on guys, come on. ग्रो अप, मतलब अपनी अकल लगाओ यार, चू डैश डैश मत बनो। आप अपनी नौकरी में उतना खुश नहीं थे कि नौकरी की तनख्वाह किसी और से ले रहे थे और साथ ही साथ बैठ के किताब लिख रहे थे? I mean, ये मूनलाइटिंग का जो कॉन्सेप्ट आपने अपनाया था, I mean, I was doing a job, काम तो करता ही था, पर यू कैन से द ओनली हॉबी आई हैड वाज राइटिंग, एंड इट सेव्ड मी allowed me to leave banking. There's nothing wrong with banking, to be honest. Matlab, I learned to invest there. So, Hong Kong mein the na, jab aap kitab likh rahe the. Paise bahut saare the, bahut paise the, bahut. Abhi se zyada? Nahi. But for that age, you know, I was in my 20s. And usse pehle main college mein tha, jahan chai ka bill dene ke liye ladaiyan ho rahi hai doston se. So, to get paid like lots and lots of dollars, it was very hard. A lot of money to leave, you can say. But yeah, I think that was one of those moments where I began to be in touch with myself and said, no, what is it I really want to do? And I saw ki wo banking ki duniya mein sab log paise ki baatein non-stop karte rehte the. And that's what defined everything. And I didn't want to spend a life just doing that. Money is good. I like money. Wohi maine suna Chetan Bhagat ko paisa bahut pyara lagta hai. Main Chetan Bhagat akela hai kya? Chetan Bhagat sach bol raha hai. बाकी लोग शायद ऐसे ऊपर, पैसे सबको प्यारे लगते हैं लेकिन पैसे के अलावा भी चीज़ें प्यारी होती हैं, और उस पैसे के लिए अगर वो सारी चीज़ें चली जाएं, योर सोशल कनेक्शंस, योर हेल्थ, देन इट्स नॉट वर्थ इट। एंड आई थिंक दैट जॉब वाज आल्सो लॉट ऑफ मनी, बट अ लॉट ऑफ टाइम वेंट इनटू दैट।
एंड माई हार्ट वॉज नॉट इन इट. ऐसे बहुत लोग होते हैं, दे आर डूइंग जॉब्स दे डोंट लाइक, बट कुछ करते नहीं है उस बारे में. आई जस्ट डिसाइडेड टू डू समथिंग अबाउट इट. You also started writing. You written a screenplay for one of your books also, na, for the movie. I've written two screenplays that have become movies. So, ये novel or fiction book लिखने में screenplay लिखने में कितना, is it really tough to become a screenplay writer after becoming a? It's very different. Screenplay की length words में 1/4 होती है book से, और आपको वही कहानी उसमें बतानी है, and you have to mentally learn. कि एक्टर भी रहेगा, हर चीज़ लिखनी नहीं है, वो भी कुछ काम करेगा. हाँ, दे एंटर द रूम दे आर सैड, इतना काफ़ी है. पर द राइटर इन मी वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट कैसे सैड थे, क्या किया, रोए, आंसू पोंछे, ये वो. मैं पहले स्क्रिप्ट लिखता था वैसे लिखता था, तो इट बिकेम सो बिग फर्स्टली, एंड देन दे सेड ये क्या है, जस्ट हैव टू. स्क्रीन प्ले लिटरली इज़ लाइक जैसे घर की प्लम्बिंग होती है. Whereas in a book, I have to give everything. I have nothing else, only the words. So in a way, it's very different. Yes. क्योंकि वो अंदर के आर्टिस्ट को मारना पड़ेगा, उस कवि को मार के. It's a different art. हाँ, मतलब it's a that full writer. If you're a full writer of books, you have to suppress some of the things and just like ढांचा दे दो सर, बस. Which is not as enjoyable, you can say. Yes. That's what I thought. I was but like, it's okay. It's अच्छा fun. खासा descriptive लिखते हैं, ये screenplay writing कैसे कर रहे थे? It's just something I wanted to try. Yeah. अब दोबारा नहीं करोगे? नहीं, I could do it, but like I said, it's not as satisfying as a whole book. अच्छा, एक और चीज़, इंडिया में राइटर्स बहुत बढ़िया बढ़िया. How is it that all of a sudden, I mean, you had Inscrutable Americans, Anurag Mathur, you had lots of other people writing the same. Arundhati Roy. Vikram Seth. अरुंधति रॉय की मेरे को उतनी पसंद नहीं आई, ऑनेस्टली, बट किसी को तो पसंद आई है. हाउ इज इट दैट जस्ट चेतन भगत आउट ऑफ दिस एंटायर प्लेथोरा ऑफ राइटर्स आगे निकल गया और स्टार बन गया? या, यू आर राइट, दे आर बहुत अच्छे अच्छे राइटर. आई वुड से देयर आर बेटर राइटर्स देन मी, रियली. मैं नहीं, आप बोल रहे थे. नहीं, मैं सच कह रहा हूँ. आई डोंट हैव ट्रेनिंग, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, आई एम नॉट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर. हाँ, तो फिर सो आई एम नॉट द बेस्ट राइटर, आई एम द बेस्ट सेलिंग राइटर. हाँ, तो कैसे, ये क्या ट्रिक, क्या है? यही तो है, एंड दैट इज़ वाई आई कैन टीच यू हाउ टू विन एट लाइफ. बिकॉज कई बार आप बेस्ट नहीं हो फिर भी आप आगे निकल गए, तो ये ज़्यादा उससे सीखने को है ना. बेस्ट वाला तो ऑब्वियस है, वो आगे करेगा, बट समटाइम्स यू कैन जस्ट क्रॉस अ लॉट ऑफ योर लिमिट्स बाय जस्ट. एंड द सीक्रेट इज दैट आई हैव अडैप्टेड, आई एम गुड एट अडैप्टिंग. इट्स नॉट जस्ट अबाउट, आई थिंक इंजीनियर होने के साथ साथ वो आ जाता है, मे बी, और बीइंग एन आर्मी किड, और जस्ट बीइंग द नेचर, और जस्ट रियलाइजिंग कि हमें वक्त के साथ साथ बदलना है. इवन विद इन माई बुक्स टू कीप ऑन डूइंग वॉट इज अनएक्सपेक्टेड. पहले लव स्टोरीज थे, फिर थ्रिलर्स थे, नाउ दिस वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी टू डू अ सेल्फ हेल्प बुक, बट इट कीप्स इट फ्रेश, इट कीप्स द. आई हैव बीन अराउंड फॉर 20 ईयर्स, 5.7 केम 20 ईयर्स बैक, तो इतने राइटर आए, इतने गए, एंड आइडियाज टू कीप ऑन अडैप्टिंग, गोइंग इन टू फिल्म्स. We did the ABP summit, right? Yeah. Where I was anchoring. So I think today you have. जो बोलोगे ढल जाऊँगा. वही करना है. वो इसमें रूल भी है एक बुक में. Be the cockroach. You have to just adjust to because दुनिया में बदलती रहती है. It's not going to be and what business am I in? Am I in the paper business? No. Am I in the ink business? No. So what is this big attachment to books? I'm in the ideas business. I'm in the business of creativity, of giving my opinions, analysis. That's why people listen to me. Not because of the paper. It's just one way. कोई बदलोगे नहीं तो बदल दिए जाओगे. बिल्कुल, बदलना ज़रूरी है. आप जितनी भी मेहनत कर लो, जितना भी अच्छा करो, वो तो ज़रूरी है. You have to work hard. But that is not enough. Whichever industry you are in is changing. Something like an uncut didn't even exist 15 years back. Now it's there. So we have to be willing to change. And I think lot of writers, they are, पहले ही उन्हें बोल दिया जाता है, आप तो लेखक हैं, आप तो इंटेलेक्चुअल हैं, आप तो कोई बड़ी महान हस्ती हो. And so they don't want to change. ये जो political atmosphere है, polarization है अपने देश में, views on that? है थोड़ा बहुत. I mean that's the way politics works. कभी भी politics साफ़ नहीं होता है, कहीं भी देख लो, even अमेरिका में कहाँ साफ़ है.
इट कि अपने देश में इंटेलिजेंस की कमी हो गई है कि लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, अपनी खोपड़ी नहीं लगाते? जैसे बुक में भी मैंने मेंशन किया, 90% लोग इमोशनली ड्रिवन होते हैं, भेड़ बकरी इमोशन पे चलते हैं। ये हमारा देश ज़्यादा स्पेशली बहुत इमोशनल है, हम तभी हमारी पिक्चरें थे इतना इमोशन, ड्रामा, रोना धोना, तभी पॉपुलेशन भी इतनी है, तभी भी इमोशन भी है ना। हाँ सही कह रहे हो वैसे आप। अगर लॉजिक से सोचा जाए तो भाई हमारे घर में अभी बिल देने के पैसे नहीं है, चार बच्चे और क्यों पर हमारा दिल आ गया तो नेशनल स्पोर्ट हमारा मंजी जंपिंग होना चाहिए। हाँ तो यू नो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। सो यू नो द मोर इमोशनली ड्रिवन अ सोसाइटी इज द मोर दीज थिंग्स विल हैपन। इट्स अप टू द पीपल वाई इट्स नॉट द जैसी प्रजा वैसा राजा आ जाता है। सो इफ पीपल वॉन्ट समथिंग देन दे विल गेट दैट। हैविंग सेड दैट थोड़ा बहुत बदल भी रहा है, ऐसा नहीं है, वी आर लिविंग इन अ एंड मैं किसी एक पार्टी की साइड नहीं लूँगा। चलो 20 साल का पीरियड ले लेते हैं, 20 साल में 10 साल नॉन बीजेपी थे, 10 साल बीजेपी थे, कांग्रेस बीजेपी दोनों थे। सो इफ आई लुक बैक एट 2004 वर्सेस नाउ, एटलीस्ट जिस दुनिया में मैं घूमता हूँ, सक्सेस तो तुमने पिछली पार्टी के उसमें पाया नहीं, दोनों में पाया है। नहीं, यू आर स्टार्टिंग। हाँ नहीं नहीं, सो फर्स्टली डेफिनेटली, सो दैट्स वन थिंग। इन दिस 20 ईयर चंक में आप जैसे आई ट्रैवल अलॉट इन डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स, दे आर टोटली डिफरेंट, रोड्स आर टोटली डिफरेंट, रोड्स हैव चेंज्ड लाइक फिनोमिनली, राइट? ई कॉमर्स, आई मीन दैट हैज गॉट नथिंग टू विद पॉलिटिकल पार्टी मे बी, बट वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, चीप डेटा, राइट? एंड उस डेटा की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लाइक ओला, उबर, ऑल दीज थिंग्स, राइट? सो इफ यू नोटिस वॉट हैज हैपन इन 20 ईयर्स इज क्वाइट अ लॉट, एंड लाइक आई सेड इट्स इन 20 ईयर्स, एंड दैट शोज दैट इंडियन पीपल आरंट जस्ट इमोशनल, वी आर, आई एम टॉकिंग ऑफ पीपल, सोसाइटी, वी आर ऑल्सो धीरे धीरे गिरते पड़ते, प्रोग्रेस भी करते हैं पर इमोशनल भी हैं, ये भी कोई मतलब। अगली किताब फिक्शन या सेल्फ हेल्प? फिक्शन मे बी, बिकॉज आई डोंट वांट टू कीप ऑन डूइंग ज्ञानबाजी। इट रियली इज अ स्मॉल बुक विच कवर्स एवरीथिंग। इट वाज नॉट कि अब आदि यहाँ डालेंगे और बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा अगली वाली बताएंगे। इट वाज, देयर वाज नो गोल लाइक दैट। आई थिंक दिस बुक विल रिमेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज इट्स नॉट, इट्स टाइमलेस। 5 ईयर्स के बाद भी दीज प्रिंसिपल्स आर टाइमलेस प्रिंसिपल्स। हाँ, so therefore I don't have to do another one, but maybe I'll do a fiction now, or maybe I'll, but one thing is very clear, I will do it if it comes from here. If it doesn't come from here, I won't do. I also have a entrepreneurial brain, which may be a good thing, but sometimes it's bad because it'll say ye kar dete hain ye, and the publisher also encourages you, karo karo sir, but no, writing my books will always come from here. I will find other ways to make money. We'll do ABP conference or election duty. That's okay. Yeah. वो भी दिल से करते हैं. लेकिन you know, when I write a book, it better be something which, because सालों लग जाते करने में. It better be really something that. It's a labor of love. हाँ. So I don't know. Maybe it'll be a novel. Maybe not, because अभी आया नहीं है. On that note, Uncut with Anant पे इस लंबी वार्तालाप को यहाँ आप ख़त्म करते हैं। ज़रा इंस्क्राइब कर दीजिएगा बच्चों को विरासत में, मैं यही सब साइन इंस्क्राइब किताबें छोड़ के जा रहा हूँ। लव टू साइन इट एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू कैन इम्प्रूव योर लाइफ। मेन एम यही है यार कि अपनी लाइफ में तुम आगे बढ़ते रहो, रोज़ अपने आप को इम्प्रूव करो। जैसे आईफोन के वर्जन आते ना 13, 14, हमारी गलतियों से सीख लो यार। हाँ, हमारे से सीख लो। हर बार आपका बर्थडे है, आपको लगना चाहिए पिछले साल वाले वर्जन से मैं क्या बेटर हूँ, एंड इफ नॉट देन डू समथिंग। थैंक यू सो मच चेतन भगत ऑन अनकट। जड़ियों के पत्ते गिनता नहीं, रोज रोज काम करके मैं थकता नहीं, ये समाज जितना भी कहले मुझको, मैं डीट किसके बाप की भी सुनता नहीं। तुम करते रहो अपने सपनों को फील, मेरे बैठे बैठे सजा दी महफिल।